सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व एलिमिनेटर मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में हैदराबाद के वाइजैक के स्टेडियम में खेला गया। अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो हैदराबाद में चल रहे इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच की शुरुआत से कहीं न कहीं यह फैसला दिल्ली की टीम के खिलाफ जाता हुआ दिखा, क्योंकि हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज सिद्धिमान साहा और मार्टिन गुप्टिल ने मैदान पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से हैदराबाद की टीम की तरफ से मार्टिन गुप्टिल की 36 तो वहीं मनीष पांडे की 30 रनों की धीमी पारी के चलते किसी न किसी तरीके से हैदराबाद की टीम इस करो या मरो मुकाबले में दिल्ली जैसी मजबूत टीम को 163 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य दे सकी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार के आईपीएल के सीजन में दिल्ली की बल्लेबाजी वाकई में काफी ज्यादा जोरदार रही है, जिसके बाद सब यही अनुमान लगा रहे थे कि दिल्ली की टीम के बल्लेबाज बड़ी आसानी से इस लक्ष्य को हासिल करके इस मुकाबले को अपने नाम कर लेंगे। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच में खेले गए इस महारोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले को दिल्ली की टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले को जीतकर ना सिर्फ दिल्ली की टीम ने क्वालिफायर नंबर 2 में अपनी जगह बना लिया, बल्कि सबको यह भी बता दिया कि वह आईपीएल 2019 के खिताब को जीतने के लिए तैयार है। इस मुकाबले में एक समय ऐसा आ गया था जब दिल्ली की टीम इस मुकाबले को हारती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर अंतिम पलों में ऋषभ पंत ने कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई कि पूरे मैच का रुख ही बदल गया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने महज 21 गेंदों का सामना करते हुए अपनी टीम के लिए 49 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसके कारण न सिर्फ इस मुकाबले का रुख बदल गया बल्कि दिल्ली की टीम अंतिम पलों में आसानी से इस पारी की वजह से ही जीत पाई। असली मजा तो जब आया जब ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्के और चौके लगाकर केवल 4 गेंदों में 20 रन अपनी टीम के लिए जुटाए थे। साथ ही जब ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया तो उन्होंने खुद महेंद्र सिंह धोनी व अपनी तूफानी पारी पर बातचीत करते हुए कुछ अहम बातें कही। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम के खिलाड़ियों ने इस हाई प्रेशर मुकाबले में प्रदर्शन करके दिखाया उससे मैं बेहद ही खुश हूँ। यकीनन हैदराबाद जैसी टीम को यहाँ पर हराना आसान नहीं था। इस टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा तेज तर्रार है और गेंदबाजों ने कहीं न कहीं एक समय पर प्रेशर हमारी टीम पर डाल ही दिया था। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि मैं अपनी टीम के लिए सही मौके पर एक बढ़िया पारी खेल पाया, जिसके कारण हम इस मुकाबले को जीत पाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम क्वालिफायर 2 को जीतकर फाइनल में किसी भी तरीके से अपनी जगह बना पाए और टीम को वहां भी विजयी बनाएं। दोस्तों इसके बाद जब ऋषभ पंत से यह पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने 4 गेंदों में छक्के और चौके लगाकर 20 रन कैसे जुटाए और इस 49 रनों की तूफानी पारी पर वह क्या कहना चाहेंगे, तो इस बात का जवाब देते हुए ऋषभ पंत ने कहा कि हमेशा से मेरा यही सपना रहता है कि मैं जब भी मैदान पर उतरूं तो अपनी टीम के लिए मुकाबले को खत्म करके ही लौटूं। इस मुकाबले में तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन बात जब छक्के और चौकों की आ जाती है तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा धोनी भाई के अंदाज में किसी भी मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश करता हूं। हम सभी जानते हैं कि वह इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ फिनिशर खिलाड़ी हैं। जब भी ऐसे मौके मिलते हैं तो वह अपनी टीम के लिए एक तेज तर्रार पारी खेलते हैं और छक्के और चौके मारकर टीम को विजयी बना देते हैं। मेरा मकसद भी मैदान पर यही रहता है कि हारे हुए मुकाबलों में अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा बड़े शॉट लगाकर उनको विजयी बनाया जाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि यह गुण मैं उनसे सीख पाया। दोस्तों अपने इस बयान में जहां ऋषभ पंत ने टीम के सभी खिलाड़ियों की तारीफ करी तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी कुछ खास बातें शेयर करी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में से कौन एक बेहतर फिनिशर खिलाड़ी है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।